अच्छा, अब हमारे पास है मूविंग एवरेज प्रोसेस। मूविंग एवरेज प्रोसेस एक तो ये है कि वो स्टेशनरी प्रोसेस होता है, तो हमने उसके ऊपर उसकी इन्वर्टिबिलिटी चेक करनी होती है। मीन इसका जीरो होता है, और ACF जो वो कट आफ्टर लैग ऑर्डर, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे RK हमारे पास होता है, ठीक है, ये तो रो के है ना, ठीक है, अगर हमारे पास जो K है वो अगर 3 है, ठीक है, और वो एक्सीड कर जाए Q से जो हमें मॉडल गिवन है वहाँ से, तो वो हमारे पास कट हो जाएगा, ACF कट हो जाएगा। अब MA2 MAQ यहाँ से पता चल जाएगा, जो हमारे पास क्यू ऑर्डर है हम वही कह देते हैं कि ये 2 ऑर्डर है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम MAQ जब इसके ऊपर अप्लाई किए, क्यू हमारे पास 2 है, वो कैसे पता चलेगा? जो हमें यहाँ पर गिवन होगा क्यू, यहाँ से हमें पता चल जाएगा, ठीक है, टी माइनस क्यू, तो टी माइनस अगर 2 यहाँ पर गिवन है तो आपके पास क्यू 2 हो जाएगा, ठीक है, क्यू 2 है। अब ये हमने क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली, ये बस यही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो थीटा 1 थीटा 2 एंड सो थीटा Q तक है, वो हमारे पास कॉन्स्टेंट और इसके पैरामीटर है। अब इसका जो मीन है हमारे पास वो क्या ऐसे आएगा, इसका जो मॉडल होता है वो हमारे पास ये होता है, मूविंग एवरेज प्रोसेस का मॉडल हमारे पास ये होता है, ये हमने ऐसे याद करें। इसको अगर हम डायरेक्ट मतलब थोड़ी छोटी फॉर्म में लिखना चाहें तो वो हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हमने इसका मीन वेरियंस, ऑटो कोवेरियंस और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसके ऊपर मीन अप्लाई करेंगे। जब हमने इसका मीन अप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म्स मिशन θi बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी ना, मतलब ये वैल्यू t-1 है, वो हमारे पास 0 आ जाएगी, तो मीन हमारे पास 0 हो गया। फिर हमने इसके ऊपर वेरियंस अप्लाई करना है, तो अगेन ये वाली टर्म वैसे ही बाहर आ जाएगी, आएगी ये आएगी स्केयर के साथ, क्योंकि देखें जब भी हमारे पास कोई कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई होता है वेरिएंस के, तो उसका स्केयर बाहर आता है और वेरिएंस अप्लाई हो जाता है टर्म पे। तो यहाँ पर जी आ गया, और ये हमारे पास सिग्मा स्केयर जी के इक्वल होगा, तो ऐसे आ जाएगा, सिग्मा स्केयर को पहले लिख लो और ये टर्म लिख दो। इसके ऊपर हमने ये स्टेटमेंट लिखनी है कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन जो है वो फाइनाइट सोल्यूशन है और ये प्रोसेस स्टेशनरी होगा। अगर ये डाइवर्जेंट है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन और ये नॉन स्टेशनरी होगा, यहीं पर इसका स्टेप स्टॉप कर देंगे, हम बता देंगे कि ये नॉन स्टेशनरी है। अब जैसे कि हम एक जनरल मॉडल के लिए कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ स्टेटमेंट लिख दी और अब इसको फर्दर मूव करेंगे। ऑटो कोवेरियंस फाइंड करना है, जिसको हम RK से भी शो करते हैं, ठीक है, और कोवेरियंस XT प्लस K से भी करते हैं। अब इसके कोवेरियंस का होता है कि बाय डेफिनेशन का फॉर्मूला इस तरह हम ओपन कर सकते हैं, ये वाली टर्म जो है ना EXT 0 के इक्वल होती है, तो दैट्स वाई कि ये पूरी टर्म 0 के इक्वल हो जाती है, वो नहीं लिखते, सिर्फ इस टर्म को पिक किया। इस टर्म को जब पिक किया, यहाँ से XT हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था वो क्या मॉडल था, ये था, तो टी प्लस के, यानी कि टी की जगह प्लस के कर दें तो हम उसको एक न्यू टर्म में ले रहे हैं जे में, आई की जगह जे रिप्लेस कर देंगे और टी की जगह टी प्लस के कर देंगे, तो ये टर्म आ जाएगी। अब इसके ऊपर जब हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई की XT है, तो यानी कि ये टर्म पहले लिखी और फिर XT प्लस के है, तो ये टर्म यहाँ पर लिख दी। इसके ऊपर जब हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई की, तो वो देखें ये सिग्मा स्मिशंस पहले आ गए, ये i = 0, j = 0 से लेके क्यू तक आएंगे, सिग्मा थीटा i और थीटा यहाँ से j आ गया, फिर ZT माइनस आया, ZT प्लस के माइनस j, इस तरह से टर्म्स आ जाएंगे। अब इसके लिए एक और टर्म आती है कि ये आगे से जहाँ मतलब यहाँ पर तो i और j जो है वो इक्वल कंसिडर करते हैं, लेकिन एक साथ में टर्म और आती है कि जहाँ i और j को इक्वल नहीं कंसिडर किया जाता, तो वो आगे जाकर टर्म 0 बन जाती है, इसलिए उसको कोई नहीं लिखा। अब यहाँ से हमने ये लेट कर लेना है कि ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है। जब हमने इसको सेम कंसिडर किया है, तो यहाँ पर देखें जे हमने एक साइड पे रखा, दूसरी वाली ये वाली जो टर्म है, ठीक है, वो सारी एक साइड पे ले गए, तो यहाँ से टी कट हो जाएगा, तो जे हमारे पास आ जाएगा i + k, ठीक है, वो हमने लिख दिया। अब जे को हमने रिप्लेस कर दिया i + k से, ठीक है, वो यहाँ पर ये वाली टर्म स्केयर में आ जाएगी, बाकी ये सारी वैसे उसकी चलती रहेगी। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करना है। जब एक्सपेक्टेशन हमने इस टर्म के ऊपर अप्लाई की, तो वो हमारे पास आ जाएगी σ² z, वो हमने इसकी जगह रिप्लेस कर दिया, तो ये अब हमने इस टर्म को, ये हमारे पास ऑटो कोवेरियंस। अब हमने जब इसको उसके अंदर कोरिलेशन के अंदर पुट करना है, तो वो क्या होता है, कोवेरियंस यहाँ पर लिखते हैं, वेरियंस यहाँ पर लिखते हैं, कोवेरियंस ये पुट कर दिया, वेरियंस जो हमने पहले पीछे फाइंड किया यहाँ से, ठीक है, ये वाला वेरियंस हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो कोवेरियंस इधर ऊपर नीचे रख दिया। तो हमने उसके बाद ये स्टेटमेंट लिख दी कि रो नोड जो होता है हमारे पास क्या होता है, वो 1 नहीं होता है, ठीक है, तो रो अगर हमारे पास रो k है, तो इसका मतलब k इज इक्वल कर लें 0, तो अगर रो k इज इक्वल 0 हो गया, तो रो नोट हो गया, वो क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ये पहली लाइन बता रही है हमें। बाकी ये जो दूसरी हमने फाइंड की, वो हमने कहा +1 से लेके q यहाँ तक जो भी वैल्यू पुट करो तो ये आएगा, और अदरवाइज ये जो हमने एक स्टेटमेंट में भी पढ़ी थी कि अगर k जो है वो एक्सीड कर जाता है q से, तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब ये दो मॉडल थे, और इसको चेक करनी थी कि ये हमारे पास ACF चेक करना है, तो ACF अगर तो ये दोनों सेम आ जाएंगे, इसका मतलब ये स्टेशनरिटी है इनमें, और स्टेशनरी में हम ये कह देते हैं कि हमारे पास लैग और लीड के लिए वो सेम होती थी वैल्यूज़,
तो स्टेशनरी आ जाएगा, तो उसके बाद हमें इन्वर्टिबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा, जब आता है फिर मैं डिस्कस करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले दो मॉडल्स हैं, इसके ऊपर मीन अप्लाई करना है, ठीक है। मीन अप्लाई करेंगे तो मीन हमारे पास जीरो आ जाएगा, इसके ऊपर जब एक्सपेक्टेशन इस मॉडल के ऊपर अप्लाई करेंगे वो भी जीरो आ जाएगा। वेरियंस लेंगे, वहाँ से ये वाली टर्म जो होगी जी टी सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होगी, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, ये टर्म बन जाएगी और यहाँ से ये बन जाएगी। उसके बाद फिर कोवेरियंस अप्लाई करना है, कोवेरियंस जैसे हमारे पास बाय डेफिनेशन क्या होता है, ई एक्स टी माइनस वन, और फिर माइनस होता है ई एक्स टी माइनस वन, ठीक है। और ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इस वजह से पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वो सिंपल लिख दिए, उसके बाद यहाँ पर उसको रिप्लेस कर दिया, जो हमारे पास मॉडल था वो मॉडल हमारा ये था, मॉडल से हमने रिप्लेस किया ये लिखा। और दूसरा, अगर हम टी एक्स टी हमारे पास ये, तो अगर हम इसमें टी माइनस वन के लिए भी तो हमने लेना ना, तो हमने क्या करना है, टी को माइनस वन से रिप्लेस कर देना। जब माइनस वन से किया तो टी की जगह माइनस वन आ जाएगा, यहाँ जब टी की जगह रिप्लेस किया और टी माइनस वन और ये वाला वन माइनस टू बन जाएगा, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। दोनों लिखे मॉडल, इनको मल्टीप्लाई कराया, ये देखिए जो हमारे पास जी टी माइनस वन वैल्यू आएगी, जी टी माइनस वन वैल्यू आएगी, इनका जो वेरियंस होगा ना वो सिग्मा स्क्वायर जी आएगा, ठीक है, जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे, बाकी हर टर्म जो होगी वो जीरो बन जाएगी, तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आएगा। सिमिलरली ये सारा आपने इसके लिए भी करना है, दूसरे मॉडल के लिए भी। यहाँ पर हमारे पास ये टर्म आएगी ऑटो कोवेरियंस की, सही बोला। अब हमने ऑटो कोरिलेशन फाइंड करना है, वो क्या होता है, कोवेरियंस डिवाइड बाय कोवेरियंस, तो कोवेरियंस ऊपर लिखा इस टर्म का और इसका वेरियंस नीचे लिखा, इनको कट किया तो हमारे पास थीटा वन प्लस थीटा स्क्वायर आ जाएगा। इसका भी हमने ये किया कि ये कोवेरियंस हमने ऊपर लिखा और वेरियंस इसका ये वाला नीचे लिखा, और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ही हमारे पास थीटा वन प्लस थीटा स्क्वायर आएगा। अब देखिए ये दोनों जो वैल्यूज हैं, ये दोनों मॉडल के हमारे पास सेम आई हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों मॉडल जो हैं स्टेशनरी हैं। तो अभी इसके हमने चेक करनी है इन्वर्टिबिलिटी। एमए प्रोसेस जो होता है ना, बाय डेफिनेशन वो स्टेशनरी ही होता है, हमने उसकी इन्वर्टिबिलिटी ही चेक करनी होती है। तो जब इन्वर्टिबिलिटी चेक करते हैं ना, ये मेथड नहीं है, मतलब इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, वो ये है कि अगर तो वो विद इन सर्कल इन्वर्टिबिलिटी वो वैल्यू फॉल कर रही है बी की या थीटा की लगा लें, ठीक है, तो वो जो हमारे पास विद इन लिमिट है वो माइनस वन से पॉजिटिव वन तक है। अगर वो इसके दरमियान लाए कर रही है तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोसेस है वो नॉट इन्वर्टिबल है। अगर वो आउटसाइड यानी कि बियॉन्ड लिमिट है तो हम कहेंगे ये हमारे पास इन्वर्टिबल है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका जो स्टेप है इन्वर्टिबिलिटी चेक करने के, उसके ऊपर है कि हमने उसके ऊपर बैकवर्ड ऑपरेटर अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये स्टेप आता है, हमें पता है कि बी जी टी को हम जी टी माइनस वन से रिप्लेस कर सकते हैं, तो जी टी माइनस वन को हमने बी जी टी से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद यहाँ से जी टी कॉमन ले लिया, वन माइनस बी हो गया। अब ये एक्स टी इस साइड पे था और जी टी मतलब मॉडल इस साइड पे था, तो हमने जी टी को एक साइड पे ले लेंगे, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इन्वर्स में लिखने के बाद इसकी जब सीरीज़ ओपन की वो ये आ गई और एक्स टी आ गया। उसके बाद एक्स टी जब हमने इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कराया, जब हमने जी टी इसके साथ अप्लाई कराया तो एक्स टी इसके साथ आ गया, मतलब अप्लाई कराया कह रही हूँ, मल्टीप्लाई कराया है, तो ये वाली टर्म बन जाएगी। अब देखें, हाँ, जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा था कि हम बी जी टी को जी टी माइनस वन से रिप्लेस कर सकते हैं, और मतलब इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन में हमने इसके साथ रिप्लेस किया, इसकी जगह पर ये लिखा, अब यहाँ जहाँ जहाँ ये उसकी जगह हम ये लिख देंगे टी माइनस वन फिर टी माइनस टू बी की जगह, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ से अपना ले लेना है थीटा, ठीक है। इसको जब हम अडोप्ट करेंगे, यहाँ तो आप थीटा को अडोप्ट कर लो या बीटा से, हमने जो क्वेश्चन इसका करेंगे ना वो हमने यहाँ तक स्टॉप करके ना बीटा की वैल्यू निकाली हो, अगर बी की वैल्यू माइनस वन और पॉजिटिव वन के दरमियान आ जाती है तो हम कहेंगे नॉट इन्वर्टिबल है, अदरवाइज ये इन्वर्टिबल है, तो ये हमने स्टेटमेंट लिख दी। सेम यही काम आपने दूसरे मॉडल के लिए भी करना है, और इस तरह लिख देना है कि अगर वो हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये विद इन लिमिट है तो इसका मतलब है कि वो नॉट इन्वर्टिबल है, अगर वो आउटसाइड द लिमिट है तो वो हमारे पास इन्वर्टिबल है। अब हमने इन्वर्टिबिलिटी चेक करनी है, ये एक क्वेश्चन है, इसकी इन्वर्टिबिलिटी चेक करनी कितना आसान सवाल है कि सिर्फ इसके ऊपर बी ऑपरेटर अप्लाई करना है। वो कैसे अप्लाई करना है, जी टी माइनस वन को इसके साथ रिप्लेस कर दिया, जब इसके साथ रिप्लेस किया तो वो ये टर्म बन गई, यहाँ से जी टी कॉमन लेने वन प्लस 0.5 बी आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद दूसरी साइड पर जब जाएगा तो वो इन्वर्स में आ जाएगा, यहाँ से ये टर्म बन जाएगी, जी टी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब सिर्फ देखें हमारे पास मॉडल जो है वो क्या है, टू टर्म्स तक है, तो सिर्फ दो टर्म्स पहले अडोप्ट कर लेंगे और उसको जीरो के इक्वल पुट कर देना है। जब जीरो के इक्वल पुट किया तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जीरो, यहाँ से जी टी एक्स टी ये वाला जो था कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आया, इसको दूसरी साइड पे ले गए, ख़त्म हो गया, ये वाली स्टेटमेंट खाली बच गई। यहाँ से वन जो है एक साइड पे आ गया, ये वाली दूसरी साइड पे ले गए, यहाँ से बी की वैल्यू निकाली जो कि ये आई, तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व किए करेंगे तो टू आएगा। अभी देखें ये हमारे पास जो है वो लिमिट यानी कि हमारी उस लिमिट के अंदर फॉल नहीं कर रहा,
ठीक है, सर्कल के अंदर फॉल नहीं कर रहा, तो हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास इन्वर्टिबल है। अगर अंदर होता तो हमने कहना था नॉट इन्वर्टिबल, अब आउटसाइड है तो हमने कह दिया ये हमारे पास इन्वर्टिबल है।